नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। शामली जनपद में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। शामली में प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी है। प्रेमी की हत्या कर प्रेमिका के परिजनों ने शव को यमुना में दफना दिया। बताया जा रहा है कि पिछले दो दिन से मृतक युवक घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने पुलिस को भी दी थी, जिस पर पुलिस ने वर्क करते हुए आरोपियों का पता लगाया और फोन कॉल के माध्यम से आरोपियों तक पहुंची। फिर उन्हीं की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। आरोपियों के मुताबिक प्रेमी युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा था, जहां पर दोनों को एक साथ देख लिया गया और प्रेमिका के परिजनों ने लड़के को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रेमिका के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव पंथुपुरा का है, जहां पर प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या की वारदात सामने आई है। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी है। प्रेमिका के परिजन इस प्यार से नाखुश थे, जिसके चलते आरोपी परिजनों ने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को यमुना नदी में दफना दिया। मृतक प्रेमी युवक का नाम सावन बताया जा रहा है, जो गांव पंथुपुरा का रहने वाला है। मृतक सावन का प्रेम प्रसंग गांव की ही लड़की से चल रहा था। सावन पिछले दो दिन से घर से लापता था, जिसके लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए सावन को ट्रेस करने का प्रयास किया और मृतक सावन के फोन कॉल डिटेल से आरोपियों तक पहुंची, जिसके बाद आरोपियों ने घटनाक्रम से पर्दा उठाया और हत्या का जुर्म कबूल किया। आरोपी हत्यारे गांव के ही हैं, जिन्होंने सावन की हत्या कर शव को यमुना में दफना दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है और इस पूरे मामले की पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि मृतक युवक सावन व उनकी लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी सावन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। दो दिन पूर्व रात्रि में सावन अपनी माशूका से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा, जहां पर लड़की के परिजनों को उसके आने की भनक लग गई और लड़की के परिजनों ने प्रेमी को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। शव के मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम रोहतास है जी, मैं इसका सावन का जीजा लगता हूं, नेवल से, करनाल से हूं जी मैं, हरियाणा से। तो सर इनका अफेयर बहुत दिन से चल रहा था, इसके घर वालों को भी पता था जी लड़की के, तो ये अक्सर जाया करता था। मैंने भी इसको बहुत समझाया, रोका, उधर घर वालों को भी पता था जी, ये नहीं माने दोनों। तो ये कल परसों इसकी लड़की की सगाई सुगई होगी कोई, इसने फ़ोन करके लड़के को बुलाया जी, ये जींद काम करता है कपड़े का। वहाँ से बुलाने के बाद तो जिसको रात को बुलाया, अक्सर पहले भी जाता था ये, तो इसके कपड़े जूते वहीं पे थे बनियान में और ये लोअर में चला गया, चप्पल भी नहीं पहन के गया। वहाँ जाने के बाद इसके साथ इन्होंने वारदात करी, इसको मार के बोरे में डाल के ये जमुना में फेंक के आए। जब सुबह पता लगा तो इन्होंने तो मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। मैं आया जी वहाँ से 12 बजे अपने गांव से जी, मैंने कहा जी ये वहाँ गया है, आप इनका नाम लो, इन्होंने मारा है जिसको। जो कार्रवाई की पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा जी, पुलिस ने बहुत अच्छे से केस को हैंडल किया है, पुलिस की इसमें कोई लापरवाही नहीं है, पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छे से करा। कितने इसमें 5 है जी, अभी और भी इन्वॉल्व है जिसमें, वो 5 इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, और भी नाम खुलेंगे, वो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। क्या चाहते हैं? बस हम तो ये चाहते हैं जी इंसाफ होना चाहिए, ये तो वैसे भी मारे गए, अकेला लड़का था, 5 बहने हैं। तो लड़के की मैरिड? जनपद शामली के थाना झिंझाना में परसों रात्रि में एक सूचना मिली कि पांथुपुरा गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सावन है, वो अपने घर पर उपस्थित नहीं है, जिसको लेकर के थाना झिंझाना पर उसकी गुमशुदगी लिखी गई और उसकी खोजबीन करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान घर वालों का शक होने पर उसके पड़ोस में रहने वाले धीर सिंह की पुत्री से उसका वार्तालाप हुआ करता था मोबाइल से, इसको लेकर के इस पर गहराई से जब छानबीन किया तो मालूम हुआ वो युवक जो है धीर सिंह के घर पर उसकी लड़की से मिलने के लिए आया था, जिसको पूर्व नियोजित तरीके से एक षडयंत्र के तहत बुलाया गया था तथा उनके परिजनों ने, जिसमें उसके दो लड़के, पत्नी और उसकी पुत्री तथा धीर सिंह ने मिल करके उसको डंडों से प्रहार किया तथा उसके गले को रस्से से कसकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके पश्चात उसकी डेड बॉडी को एक बोरे में बंद करके मोटरसाइकिल से ले जाकर के यमुना नहर जो गांव से 10 किलोमीटर है वहां ले जाकर उसने फेंक दिया। इस घटना का अनावरण झिंझाना पुलिस ने बहुत तत्परता और बहुत ही कुशलता से किया तथा इसमें उसकी डेड बॉडी तथा बोरा, रस्सी सब बरामद हुए हैं। इसमें तीनों अभियुक्त
धीर सिंह उसकी पत्नी तथा उसकी पुत्री निशा को गिरफ्तार किया गया है। उसके दोनों पुत्र अभी फरार चल रहे हैं तथा उस मोटरसाइकिल को भी बरामद करने तथा आदित्यों को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास हो रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत अग्रिम